हुई लड़ाई की आंच अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने के सरकारी फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है, जिसके बाद बिहार में इस फैसले को लेकर काफी सरगर्मी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द एक अणे मार्ग के मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आवंटित 7 सर्कुलर रोड के बंगले में रह रहे थे। हालांकि एक अणे मार्ग के बंगले की मरम्मति चल रही है, लिहाजा मरम्मत का काम पूरा होने तक मुख्यमंत्री 7 सर्कुलर रोड के बंगले में ही रहेंगे। वहीं 7 सर्कुलर रोड के बंगले को मुख्य सचिव के नाम पर आवंटित कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश भी भवन निर्माण विभाग ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला मिला हुआ है। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों न उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट को रद्द कर दिया जाए। मामले पर अगली सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी एक पोलो रोड का सरकारी बंगला खाली कर अस्थायी तौर पर 25A हार्डिंग रोड के बंगले में शिफ्ट कर गए हैं। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव भी अपना बंगला खाली कर एक पोलो रोड में चले जाएंगे, जिससे सुशील मोदी तेजस्वी के मौजूदा बंगले में शिफ्ट हो सके। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नया आशियाना है 25A हार्डिंग रोड। इस छोटे अपेक्षाकृत बंगले में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शिफ्ट किए हैं। हालांकि अभी जो यहां पे वो आए हैं वो अस्थाई है, और जिस तरीके से बंगले को लेकर राजनीति तेज थी और बंगले को लेकर एक तरह से कहें सियासत भी तेज थी, लेकिन जब पटना हाई कोर्ट ने तेजस्वी की जो याचिका थी उसको लेकर खारिज कर दिया है कि सरकार का ये पूरा मामला मसला है, उसके बाद सुशील कुमार मोदी उनका जो पोलो रोड का बंगला है 1 नंबर, वहां से इस अस्थाई बंगले में शिफ्ट कर गए हैं। और जो 5 नंबर के बंगले में तेजस्वी रहते हैं वो 1 नंबर के बंगले में शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद फिर यहां से तेजस्वी के बंगले में सुशील कुमार मोदी शिफ्ट करेंगे। सुशील कुमार मोदी पहले ही बंगला अपना 1 नंबर पोलो रोड खाली कर चुके हैं कि तेजस्वी ये न कहें कि वो बंगला खाली नहीं है, इसलिए वो जाए कहां। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। आज औपचारिक रूप से कलीय प्रिय अधिकांश सामान यहाँ से जा चुका था, फिर औपचारिक रूप से और आज इस मकान को बंद करके इसके औपचारिक से चाबी भवन निर्माण विभाग को सौंप देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर भगवान सद्बुद्धि दे उनको और वो स्वयं मकान को और खाली कर दे, और नहीं तो भवन निर्माण विभाग को सरकार को जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।